ओम साई राम जी, ओम साई राम पूजा जी। बाबा की प्यारी नगरी में, बाबा की कर्म भूमि पर हम बैठे हैं, बाबा का गुणगान कर लो। मेरा सौभाग्य है कि आप तक इतने प्यारे प्यारे अनुभव पहुंच रहे हैं बिकॉज ऑफ साईं भक्त जो कि दिल से बाबा का गुणगान करना चाहते हैं। तो मेरे सामने एक साईं भक्त बैठी है, ओम साई राम जी। ओम साई राम पूजा जी, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, आवाज़ बहुत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शर्मिला है। कहाँ से आप? मैं टेक्सास, डैलस टेक्सास, अमेरिका से। अमेरिका से? ओहो, तो अमेरिका से इंडिया और इंडिया से अमेरिका जाने का जो सफ़र है, शुरुआत से बताइएगा कि जब बाबा को आप कैसे मानी, वहाँ तक कैसे पहुँची, पूरी जर्नी क्या है, मुझे वो जानना है। मैं जब सिक्स ग्रेड में थी तब से साईं बाबा का साईं बाबा की भक्ति कर रही हूँ। मेरे पापा पहले लगे और फिर मैं लगी। मैं एमपी से हूँ, ऐसे सागर एमपी से हूँ। और हमारे वहाँ शिव जी, अम्बे माता और गणपति की पूजा ज़्यादा होती थी, साई राम का थोड़ा कम था। और जैसे बड़ी बड़ी होती गई, कॉलेज 16th में मेरे को वो आया कि नहीं बस बाबा को पकड़ लेना है, तो बाबा को पकड़ा है। और अभी 50 प्लस हूँ तो बाबा को छोड़ा नहीं है। बाबा ने ही मेरे को सब दर्शन करा लिए, माता जी के, गणपति के, शिव जी के। इसने बाबा इज ऑल इन ऑल टू मी। कैसे भक्ति उजागर हुई, कैसे भक्ति उजागर हुई, आपके दिल में बाबा के लिए इतना प्रेम कैसे आया? मैंने कुछ मांगती नहीं थी, बस जब सिक्स ग्रेड में जब से बाबा से ज्वाइंट हुए, पूजा भक्ति सेवा, अभी भी मांगती रहती हूँ, पूजा भक्ति सेवा, और कुछ नहीं मांगा। और वो ऑटोमेटिकली मेरे को आते गए। और जब 1988 से सपने आते गए, तो जब बाबा ने ये बताया दिस इज़ हकीकत, रियलिटी ऑफ द लाइफ क्या है, ये पूजा भक्ति और सेवा। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आप एमपी से हो, तो ये आप उससे पहले जब आप यहाँ पर आए हो शिरडी में, किस सन में आए हो, कब आए थे पहली बार शिरडी? पहले 1998 में आई थी, केनिया से जब मैं आई थी, शादी हुआ तो केनिया गई थी, और फिर 1998 में पहली बार मैं इधर आई थी शिरडी, मुंबई से डायरेक्ट शिरडी आई थी। और मेरी दोनों लड़कियों को बाबा इस उन एक छोटी को वहाँ दोनों के चरणों में बिठाला है बाबा ने। और वो मेरे पास फ़ोन नहीं था, नहीं तो मैंने पिक्चर लिया होता। दोनों लड़कियों को ब्लेस्ड हुआ है। अच्छा, हाँ, दोनों को बिठाला है पुजारी ने, नीचे से उठा के उनको चरणों में बिठाला, बाबा की समाधि मंदिर में। हाँ, क्या बात है। तो कुछ बाबा से जो आपकी नज़दीकियाँ रहीं, जो बाबा से प्यार रहा, जो बाबा से आपको आज प्यार है, जो आप टेक्सास से यहाँ पर हो, मैं चाहती हूँ वो भी आप बताओ कि कैसे आप बाबा को प्यार करते हो, क्या रीज़न है, लोग जानना चाहेंगे। कोई रीज़न नहीं है, मेरा कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, जब बाबा ही चाहिए। और ये जो इतना दुनिया में लोग आते हैं, हाँ शिरडी में, तो मैं उनका हाल पूछने आते हैं, सब लोग अपना दुख कहने आते हैं, ये मांगने आते हैं, मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ कि आपका हाल कैसा है। बस बाबा से ये पूछा है कि इतने का दुख का सुन के आपका हाल कैसा है, हाउ इज़ योर हार्ट, दुखी है, सुखी है। आपका एक्सप्रेशन देख के मेरे को लगता है कि बाबा एक्सप्रेशन देख के मैं समझ गई हूँ बाबा दुखी भी है, खुश भी है। कभी लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, सबकी जिंदगी में जिंदगी है, कभी ऐसा वक्त आया? कैसा वक्त बोल रहे हैं आप? जैसे कि कुछ डाउनफॉल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कभी फेस करनी पड़ती है। हाँ, कभी ऐसे डाउनफॉल्स बहुत आए हैं, बट बाबा ने स्ट्रॉन्ग भी रखा है। मैं गिव अप नहीं करती हूँ, बाबा अंदर से कहते हैं डोंट गिव अप, मैं तेरे साथ हूँ। वो एक स्टेप पहले आगे चलते हैं, फिर मैं उनके पीछे पीछे फॉलो करती हूँ। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बाबा बुलवाते हैं कि जब विश्वास पूरा है तो बस छोड़ दिया है, गिराना है तो गिराना, आज यहाँ मौत भी आ जाए तो एक्सेप्टेड। क्या बात है, दृढ़ विश्वास है बाबा पर। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, लोगों की भक्ति विचलित हो जाती है, लोग कभी कभी इतने और ही बाबा कुछ करते नहीं है, बाबा सुनते नहीं है। अपने कर्म पे विश्वास करो ना, बाबा कुछ करते नहीं है। अपने कर्म आप पहले खुद को जांचो कि अपने कर्म कैसे हैं, फिर बाबा आप पे बोलो कि बाबा
कुछ करते नहीं हैं, खुद ने 100% खराब किया है और फिर बाबा को 1% भी किया नहीं है जिसने, तो बाबा को क्यों दोष देते हो? अपने कर्म को देखो और अपने आप को देखो पहले, 100% आपको अंदर से आंसर मिलेगा। जो मेरे को मिला है मेरे को चाहिए कि सबको मिले, और यहाँ जब मांगो ना तो ये 100% थैंक यू करने भी आने का, मैं अमेरिका से खाली थैंक यू करने आई हूँ, कुछ मांगने नहीं आई हूँ। मैंने बाबा को लोगों को कैसी पूजा करनी चाहिए, कैसे लोगों को मानना चाहिए कि बाबा को किस तरह से लोग को देखना चाहिए? ऑल इन ऑल वो ही है सब कुछ, दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। माँ बाप भाई बहन जो भी कहो, मेरे तो सब भी वही है, वो मेरे सांस भी वही है, मेरी धड़कन भी वही है, ऑल इन ऑल मीन्स एवरीथिंग, दुनिया भी है मेरे। साई सच्चरित्र पढ़ते हो? बहुत पढ़ती हूँ, दिल में उतार लिया। और आज मैंने अभी जैसे दशहरा है, मेरे को वो जो ग्रेस चाहिए, वो जो काका दीक्षित का जो उन्होंने लेमनेस माइंड का निकाला था ना, वो मेरे को चाहिए। मीन्स मैं जिद्दी हूँ और बाबा भी ऐसे मानते हैं कि जो देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, वो जो माइंड का हमारा लेमनेस है, वो क्या लंगड़ापन कहता ना, वो निकालना है। वो आपने निकाल दिया ना तो दुनिया तर तर जाओगे। क्या संदेश, कैसे आप लोगों को समझाएंगी, कुछ आसान भाषा में बताएं कि बाबा की भक्ति किस प्रकार करें? साई चरित्र पकड़ो और कुछ नहीं, सब आंसर साई चरित्र में। मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, मैं हर साल शिरडी आती हूँ, 10 साल से आ रही हूँ, जनवरी फरवरी और मार्च में मैं यहीं होती हूँ। मार्च में मेरा बर्थडे आता है, बाबा कुछ भी रीज़न करके यहाँ भेज देते हैं, और इस बार 12 जनवरी से मेरा नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला बाबा मेरे को आंसर कहाँ मिलेगा और कैसे मैं शिरडी आऊँगी, बस शिरडी के बिना तो मेरा लाइफ भी नहीं चल सकती है, स्टॉप हो जाता है। तो बाबा ने मेरे को प्रश्न बोला कि साई चरित्र से पूछ, तो मैंने साई चरित्र बस ऐसे अर्जी किया कि मेरा शिरडी आने का कब होगा, और मैंने खोलती हूँ तो उसमें 32 चैप्टर में जब आता है इंग्लिश में, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, आपको मेरे साथ आना है। मैंने तभी बोला यस, तो उन्होंने बोला कीप पेशेंस, और वो पेशेंस रखा तो अभी उन्होंने ये साल 11 to 16 कितने दिन हुए, 6 दिन ऑलमोस्ट मेरे को शिरडी में रखा, जो पहले आती थी 2-3 दिन ही रहती थी, इस बार उन्होंने टाइम बढ़ा दिया मेरा। तो वो साई चरित्र में मैंने विश्वास किया था कि पेशेंस रखूंगी, सबूरी रखा, और उनसे उनको कह दिया कि यस आपको जब ले जाना, तो वो आज का दिन आ गया। साई पूजा चैनल को जानते हो? अभी मैंने वो जब विधि रखा था ना, वो केले का पत्ता का, तब से मैं जानती हूँ। वो एक आयल लेडी है जिसके ऊपर दुख का पहाड़ भी गिरा, मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। जब मैं दूसरों का सुनती हूँ ना, तो बाबा को कहती हूँ नहीं सबको सुख रखना, जो मेरे को मिला है सबको मिलना चाहिए, नॉट ओनली मी, मैं सेल्फिश लेडी नहीं हूँ। मैं बाबा ने मेरे को ऊपर से दुनिया दिखाई, मेरे को सबके दिल दिखा दिया है, तो वो दिल में ही बाबा बैठे हैं, मेरे को बता दिया बाबा कहाँ बैठे हैं। अब मेरी पूजा भक्ति कम हो गई है, सब कुछ कम हो गया है, मैं कम करती हूँ, पर जुड़ना, मैं जुड़ गई हूँ ऐसी कि बस उन्हीं की याद में रहती हूँ। मैं पूजा भक्ति बहुत कम, साई चरित्र को एक पकड़ लो, आप बाबा के पास में आना, बस साई चरित्र पकड़ लो। 10 बार घंटी मत बताओ, एक बार आप दिल से केवल बाबा का नाम लो, सब हो जाएगा, सारे कार्य हो जाएंगे, है ना? तो साई पूजा चैनल आप आर्यन लेडी कहते हो, तो मैं चाहूँगी कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आगे बढ़ूँ, और जैसे आपने लोगों को भक्ति का मार्ग बताया है, साई सच्चरित्र जुड़ो, आप भक्ति मत करो, आप 10 बार मंदिर मत जाओ, दिल से एक बार कर्म करो। दिल भी प्योरिटी ऑफ माइंड एंड सोल, प्योरिटी चाहिए तो बाबा जुड़ते हैं। और मैंने इतना बोला है, जब मेरे शर्मिला को अभिमान आ जाए उस दिन मौत कबूल है, 0% अभिमान होना ही नहीं चाहिए। अगर आप अभिमान किसी का भी रखा, बाबा खिसक जाएंगे, बस अभिमान चाहिए कि बाबा चाहिए, इट्स इन योर हैंड, आपके हाथ में है, खुद को पहले पहचान लो फिर बाबा को पकड़ना। अभिमान नहीं आना चाहिए भक्ति में, क्या बात है। तो आप लोग जो सुन रहे हैं, सीखिए भक्ति का अर्थ क्या है। हम बहुत बड़े लोग नहीं हैं कि बहुत हमने तपस्या की हो, पर जितना सीखा उतना ज़रूर बता सकते। बाबा को पाना है तो अहंकार, निंदा करना, लोगों की आलोचना करना, दुख को सहना, लोगों को सुख देना,
यही भक्ति का एक सरल मार्ग है। कर्म करना, भूखों को खाना खिलाना, बेजुबान लोगों जानवरों को प्यार देना, गरीब अमीर में समानता रखना, यही एक भक्ति का सरल मार्ग उनके है। आप सबको अपने हाथ में ही देखो ना, बाबा को वहीं ढूंढो, सबके दिल में बाबा विराजमान है। वो चाहे चूहा हो और भूल हो जाए, कहीं मारना पड़े तो मार दो और माफी मांग लो, तभी के तभी माफी मांग लो। चीटियां हम कितने एंट्स मारते हैं और कितने जानवर मारते हैं, पर बस आप माफी मांग लो तो भी बाबा कबूल कर लेते कि हाँ दिल से प्रायश्चित कर लिया है। जब प्रायश्चित हो जाता है वहाँ पाप धुल जाता है। बहुत अच्छा लगा शर्मिला दीदी आपसे मिलके, और आपने एक छोटा सा एक मैसेज दिया है जो कि लोगों को समझना चाहिए। जो समझा वो बाबा को पा लेगा, जो नहीं समझा तो शायद बाबा समझना ही नहीं, नॉट पॉसिबल। जो समझ गया तो समझ गया, जो नहीं समझा तो वो फिर इम्पॉसिबल, वो पूरी लाइफ ऐसी चली जाएगी। जब तक खुद में जिज्ञासा नहीं होगी तब तक इंसान समझ नहीं सकता। तो कैसा लगा मैसेज, और बाबा ऐसे ही कृपा बना के रखें दीदी पर और आप सब पर। 9918073846 पर हम अपने ऐसे एक्सपीरियंस भेजें, और कमेंट सेक्शन में बताएं जो शर्मिला दीदी के विचार हैं कैसे हैं। ओम साई राम, जय साई राम, जिंदाबाद पूजा जी दी, जिंदाबाद आयरन लेडी। बाबा हमारे हमेशा हर घर साई, घर घर साई। उस पूजा को आशीर्वाद दो, पूजा आगे बढ़े। एक स्टूडियो बना है पूजा, जहाँ पर लोग आए देश विदेशों से भी। थैंक यू सो मच। और विदेशों में मैं जाके बाबा का प्रचार प्रसार कर, यही आशीर्वाद चाहिए। नहीं आपके पास ऊपर तो है आशीर्वाद, इतना मैंने देखा जो प्रेम देता है ना, बाबा प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम जो देख रहे हो ना, मैं भी प्रेम देती हूँ। आप तो भारत में देते हो, मैं तो दुनिया में देती हूँ। इट्स वेरी हार्ड, पर अपने तरह से प्रेम बांटो, बस वो आया ना। एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, सामने वाले व्यक्ति ने दिया या नहीं दिया, नो एक्सपेक्टेशन। हमारी तरफ से 100% प्रेम दो। प्रेम बांटो, प्रेम मिलेगा। नफरत बांटोगे, नफरत मिलेगी। इसी के साथ ये एपिसोड में एंड करती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम।